न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। रीवा जिले के मनगवा तहसील के प्रभारी तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी एवं हलका के पटवारी कमलेश पांडे के द्वारा दलित बेरोजगार युवक को अपने जाल में फंसाकर 50,000 रुपए की ठगी की गई। ये ठगी मनगवा तहसील में चौकीदार के पद पर नियुक्त किए जाने के लिए प्रभारी तहसीलदार के द्वारा अलग अलग बड़ी किस्तों में 50,000 रुपए की किस्त अपने निवास स्थान में लिया। जिस दलित युवक के साथ ठगी कर प्रशासनिक ताना बाना बुनकर रकम लूटी गई, वो युवक हालातों का मारा है। ऊपर वाला उसे पहले ही सजा दे चुका है, एक हाथ कटा हुआ है, माँ पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, और ऐसे युवक को चौकीदार की नौकरी देने के नाम पर दूसरी सजा प्रभारी तहसीलदार एवं हल्का पटवारी दे रहे हैं। पीड़ित रीवा जिले का मनगवा निवासी राहुल वर्मा साकेत है, जिसने इस पूरी घटना की लिखित शिकायत मनगवा थाना पहुंचकर थाना प्रभारी दिलीप कुमार दाहिया को सौंपी और न्याय की गुहार भी लगाई है। पीड़ित रोते बुलकते हुए अपनी आप बीती बताया। उसने बताया कि हमारे घर की छत गिरने वाली है। इस पक्के छत के परिवार के लोगों को खतरा बना हुआ था, जिसको लेकर हमारे पिताजी के द्वारा मनगवा अनुविभागीय कार्यालय को आवेदन देकर डैमेज छत को ठीक कराए जाने के लिए आवेदन दिया गया था। इस आवेदन के बाद मनगवा हलका के पटवारी 3 अप्रैल को पहुंचे और जांच करने लगे। इस बीच पीड़ित से मुलाकात हुई। वहीं पटवारी ने तहसीलदार के माध्यम से 30,000 रुपए में नौकरी दिलवाने की बात कही। पीड़ित ने कहा कि पैसा नहीं है, उधार लेकर दे देंगे। नौकरी के लिए डन हुआ। 5 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे तहसीलदार के निवास पर उधारी का पैसा लिए हुए तीनों लोग पहुंचे। इस बीच तहसीलदार साहब ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेकर 4 पन्ने हस्ताक्षर करवाया और 1 सप्ताह के बाद ज्वाइनिंग लेटर देने की बात भी हुई। वहीं 1 हफ्ते बाद जब ऑर्डर नहीं मिला तो पीड़ित फिर से तहसीलदार के पास पहुंचा और बोला कि बड़े साहब नहीं मान रहे हैं, 20,000 रुपए और मांग रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि 11 अप्रैल को उसने तहसील कार्यालय चैम्बर में बंद लिफाफा कर रकम दिया और उसे आज तक नौकरी नहीं मिली। अब पीड़ित को तहसीलदार ना तो पैसे दे रहे हैं और ना ही नौकरी। पीड़ित ने यह भी बताया कि प्रभारी तहसीलदार के निवास स्थान पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। मेरे द्वारा दी जाने वाली रकम की फुटेज को भी देखा जा सकता है, जिससे सब कुछ प्रमाणित हो जाएगा। लेकिन अब पंचायत चुनाव और शादी का कार्यक्रम और व्यस्तता का हवाला दे रहे हैं। ठग का शिकार हुआ पीड़ित तहसीलदार से अपना पैसा वापस मांग रहा है। पीड़ित ने बताया कि जब वो अपना पैसा मांगता है तो तहसीलदार के द्वारा उसे अभद्र गालियां दी जाती हैं, उसे अपमानित करते हुए तरह तरह की धमकी दी जाती है। उसने बताया कि तहसीलदार कहते हैं कि मुझे जानते नहीं हो, मैं तहसीलदार हूं, कलेक्टर का पावर रखता हूं, जो चाहूंगा वही होगा। इस पूरी घटना की शिकायत पीड़ित के द्वारा थाने में लिखित रूप से दी गई है। पीड़ित ने ठगी का शिकार होने के बाद प्रभारी तहसीलदार और हलका पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ठगी किए गए 50,000 रुपए की वापसी की भी मांग कर रहा है। उसने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से रोते हुए न्याय की गुहार भी लगाई है। वहीं जिले के SP और कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे मामले में मनगवा थाना प्रभारी दिलीप कुमार दाहिया ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के बाद जांच शुरू कर दी गई है। जांच पूरी होने के बाद दोषी तहसीलदार एवं पटवारी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। क्या नाम है? राहुल साकेत। कहाँ के रहने वाले हो? मनगवा वार्ड नंबर 9। थाना पहुंचे हो किस लिए, क्या हुआ? मेरे साथ 50,000 नौकरी के नाते ठगी हुई है। कौन सी नौकरी के लिए? चौकीदार की नौकरी के लिए। कहाँ पर चौकीदारी की नौकरी के लिए? मनगवा तहसील। कौन लिया पैसा? तहसीलदार साहब और पटवारी। जगह कब निकली थी, कौन आपको बताया जगह निकली? साहब हमारे घर 3 अप्रैल को जांच करने आए थे पटवारी साहब। क्या हो गया था घर में? और घर हमारा गिर रहा था साहब। क्या गिर रहा था घर का? घर का छत्ता गिर रहा था, उनसे मुलाकात हुई, सब जांच करने ले आए थे हमारे घर। तो क्या आपने पूछा नौकरी के लिए? उन्होंने बोला बेटा क्या करते हो, नौकरी करना है? हमने बोला जी साहब। फिर क्या बोले? उन्होंने बोला कल आ जाना डॉक्यूमेंट लेके। हमने मार्कशीट, आधार कार्ड और विकलांग प्रमाण पत्र लेके साहब मिलने का 4 अप्रैल को उनसे। फिर क्या बोले? उन्होंने बोला 5 अप्रैल को आप पैसा लेके आना, 30,000 रुपये साहब तहसीलदार साहब को देना है। फिर हम पटवारी साहब के साथ तहसीलदार साहब को 30,000 रुपये दिए। पैसे घर में रखे थे? पैसे नहीं साहब, हमने घर लेके दिया था उनको। कब गए थे तहसीलदार साहब पैसे देने? तहसीलदार साहब के पास 5 अप्रैल गए थे। किसके साथ गए थे? पटवारी साहब के साथ गए थे। और कौन था? और जिनसे हमने पैसा उधार लिया था वो गए थे हमारे साथ, तो उनको बाहर बैठा दिया गया।
फिर हमने 30,000 रुपये तहसीलदार साहब को दिया। इसके बाद क्या किया तहसीलदार साहब? तहसीलदार साहब बोले आप फॉर्म भर दो, 4-5 बंदे का आपका ऑर्डर आ जाएगा 2-4 दिन में। फार्म में क्या हुआ? फार्म में दस्तखत कौन किया? फार्म में साहब दस्तखत करवाए हमसे, बोले अब रुक जाओ 4-5 दिन, जैसे ऑर्डर आता है आपको नौकरी मिल जाएगी। क्या नाम है तहसीलदार का? तहसीलदार का अनुराग त्रिपाठी नाम है साहब। अनुराग त्रिपाठी नाम जी साहब। और पटवारी साहब क्या नाम? पटवारी साहब का नाम है सर, सॉरी क्या बोलते, कमलेश पांडे नाम है साहब। फिर क्या हुआ? आपने पैसे? फिर हमने 10 दिन बाद फिर गए, हमने बोला साहब हमें ऑर्डर नहीं आया, हम क्या करें। तो उन्होंने बोला अब इतने में काम नहीं चलेगा, हमको और पैसा 20,000 चाहिए। फिर हमने फिर किसी से उधार लेके साहब दिया उनको, और उन्होंने किसी को फ़ोन लगाया बड़े साहब को, बोले हमसे किस हिसाब से बात हो गई है, लोन लेटर आ जाएगा आपके पास तो आपको नौकरी मिल जाएगी। फिर आज तक साहब हमारा आज ऑर्डर नहीं आया साहब, हम ऐसे भटक रहे, विकलांग आदमी है साहब, भटक रहे हैं जी साहब नौकरी के लिए। जाते हैं मना कर देते हैं, बोलते हैं बहुत बिजी हैं, लड़की देखने जाना है। पटवारी साहब के पास जाते हैं तो बोलते हैं साहब के पास जाओ, साहब के पास जाते हैं तो बोलते हैं चुनाव आने वाला है, ऐसा वैसा करके साहब बाहर भगा देते हैं हमको। तो क्या आप नौकरी चाहते हैं? पैसा साहब हमारा पैसा वापस कर दें, और हम कुछ नहीं चाहते, हमको न्याय चाहिए बस, और हम कुछ नहीं चाहते साहब। और कभी भी मांगने जाते हैं पैसा तो गाली गलौज करते हैं साहब, कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, गरीब आदमी माँ भी नहीं है, परेशान है साहब, बहुत मात्र करने के लिए तैयार है, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम शिवराज सिंह मामा जी से बात करेंगे, वहाँ जाएंगे और हम बड़े अधिकारी से बात करके बोलेंगे साहब हमें नया दिलवाया जाए, हमारा पैसा वापस दिलवाया जाए, बहुत परेशान है साहब, आत्महत्या कर लेंगे हम। कुल कितना पैसा ले चुके हैं साहब? 50,000 रुपये ले चुके हैं उसके दो किस्त में, एक किस्त में 5 अप्रैल को लिए गया 30,500 रुपये का नोट, और दूसरी किस्त में 20,000 रुपये लिए गया 19 अप्रैल दिन। बहुत परेशान है साहब। अब आप प्रशासन से क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमें हमारा पैसा वापस मिल जाए, नहीं हम बात ना निकल लें, जिससे हमने पैसे लिए हमें परेशान कर रहे हैं, कहाँ से पाए पैसा, गरीब आदमी है, दलित आदमी है, कहाँ से दें पैसा साहब उनको, बहुत परेशान हो गए साहब। हाँ किसी न्याय की गुहार लगा रहे हो? और मामा जिसे न्याय की गुहार निभाएंगे हाथ जोड़ रहे हैं, उनको पैसा चाहिए, नहीं तुम आत्महत्या कर लेंगे। कौन मामा? शिवराज मामा जी, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज मामा जी से क्या बोल रहे हैं जी? उनसे बोलते हैं हमको न्याय चाहिए, हमको पैसा वापस दिलवाया नहीं, हमें नौकरी दिलवाया नहीं, हम आत्महत्या कर लेंगे, हमें आपको बहुत परेशान हो गए हम साहब, उधार पैसा लेके हमको परेशान कर रहे हैं, और हमारा पैसा नहीं दे रहे साहब, मांगने जाते गाली गुलूत गंदी गंदी गाली देते तहसीलदार साहब, एक बार पैसा मांग रहे हैं तो पटवारी साहब बोले हम जाके मिलवाते हैं, दूसरी बार बात करते हैं आपसे, फिर गए पटवारी साहब बोलते हैं तहसीलदार साहब बोले बहुत बिजी हैं, हमें चुनाव का काम है, हमारी शादी होने वाली है, मैं तुम जाओ हम बाद में ऑर्डर आ जाएगा तो बता देंगे साहब। अभी तक 3 महीने हो गए कोई ऑर्डर नहीं आया, कोई नौकरी नहीं मिली, अब कैसे पैसा दे साहब? कौन कौन मिलकर ठगी की है? तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी, पटवारी कमलेश पांडे ने हमारे साथ ठगी की है, हम रिपोर्ट भी लिखवाने गए थे साहब, हम देख के आए थाने में, सर उचित कार्रवाई की जाए, नहीं तो साहब आत्महत्या कर लेंगे, मां बच्ची हाथ जोड़ते हैं हमें न्याय दिलवाया जाए, बहुत परेशान हो गए साहब।